जा रहा है बाय। सो हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। होप करता है आप सब लोग अच्छे हो। और आज वो फाइनली डे है जो जबकि मैं जा रहा हूँ, और इधर मेरी मामी है। आप इतना छुपती क्यों हो? अरे इतना इमोशनल तो आप अपने शादी में नहीं हुई थी जितना मेरे जाने से हो रहे हो। तो सोच रहे कि अभी किसका कान खींचेंगे जाने के बाद। आप आओ पीछे से, ये लोग भी आ रहे हैं कुछ टाइम बाद। आना ही है। तो अभी ये मैं आया हूँ नानी के घर पे, और थोड़ा थोड़ा सा पैकिंग बाकी है, तो जल्दी जल्दी से पैक करते हैं और फिर मिलते हैं, फिर निकलते हैं। अभी जाऊंगा दिल्ली, दिल्ली से फिर फ्लाइट है, तो अभी ट्रेन से जाऊंगा। ठीक है, तुम आओगी ना? नहीं, नहीं आएंगे। क्यों? बुड्ढा। अरे तुम्हारा दांत गिर रहा है, तुम बुड्ढी। नहीं, मेरा दांत नहीं गिर रहा है। दांत जा रहा है फिर टावर के पास। बोल दो ना रीति, प्रोनाउंस तो कर दो। करण। हाय हाय एकता। हेलो। हाय मौसी। हाय बेटा। बाय बाय छोटी मौसी। छोटी मौसी। छोटी मौसी लंबी हो गई। I don't like, bye bye. Why? I hate this word. So guys, भैया आए मेरे से मिलने। चलो bye. Bye bye. वैसे happy day. हम bachelor's करने जा रहे हैं और भैया का last है। हाँ last है। Difference है। बड़े लोग। ठीक है भैया, मिलते हैं और जल्द। सो यहाँ पे मेरे से सारे लोग मिलने आए थे, मेरी बहन लोग और नानी, मेरी दो मासी और मामा मामी भी आए थे, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बिजी था कुछ काम में। सो गाइज, मैं हो गया हूँ रेडी अब निकलने के लिए, और मैं अब घर निकलूँगा आधे घंटे में। सारे बैग्स पैक हो चुके हैं और चलना, खाना खाना लेट। ठीक है, आयुष अभिलेश आ चुका है, निशांत और अविनाश आ रहा है, और अभी घर वाले भी आए थे मिलने के लिए, बट अभी मैं भी जाऊंगा, बगल में ही घर है, तो अभी जल्दी जल्दी जाते हैं। और उधर देखो पीछे में तीन बैग मेरा रेडी है, तो अभी जल्दी से खाना खा लेता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। इधर करिया निकलते हैं, मिलते हैं जल्दी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, अभी मिलेगा ऐसा कहना था। ठीक है, छोटी मौसी देखो सबसे छोटी। सो गाइस, ये मेरी डेजी, प्यारी प्यारी सी डेजी, मेरी जिद पे आई थी घर पे, और अब बाय बोलने का टाइम हो गया इसको। और मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम मेरे को रोना आ रहा था, और पता नहीं क्यों ये भी सैड थी, काफ़ी सैड थी, ये बैठी हुई थी और इसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। शायद इसको पता चल गया कि मैं जा रहा हूँ। लव यू डेजी। ऐसे चलो गाइस, बाय बाय।
हम लोग रख लेंगे, हम लोग भारत में हैं। हाँ हाँ ठीक है, अभी से पर आएगा। आ रहा है तो बाय बाय बाय, ठीक है। व्हाट्सएप ही कर पाएंगे भाई, ठीक है बाय। गाइस आज वैसे तो मैं जा नहीं रहा हूँ, बट आज पापा जा रहे हैं, इधर आइए। आज पापा जा रहे हैं और ये मैं डालूंगा एंड में, तो ठीक है पापा, बाय, मिलते जल्दी हैं, मिलते जल्दी, ठीक है। और बोलिए, मेरे पापा इमोशनल हैं। So guys, मैं बैठ गया ट्रेन में और अब एक स्टेशन पर रुका है, वो वहाँ से निकल चुका था, अभी एक स्टेशन पर आकर रुका हुआ और अब जाते दिल्ली हम लोग क्या मैं अकेले तो अब जाते दिल्ली और दिल्ली पहुँच के मिलते हैं। और बीच बीच में अगर ऐसे कुछ हुआ तो दिखाते हैं, क्योंकि ट्रेन काफ़ी लंबा है, 24 घंटे ऑलमोस्ट 23 घंटे कुछ मिनट का ट्रेन है। और अंकल हैं शिव जी के गाने बजा रहे हैं, बढ़िया। फिर मैं दिल्ली पहुंच गया, काफ़ी ट्रेन लेट हो गया था मेरा, 4 घंटे ट्रेन लेट हो गया था। फिर अंकल के साथ में गया क्योंकि मुझे कुछ प्रिंट आउट निकलवाने थे और कुछ लेना था, मेरा नेल कटर छूट गया था और वैसलीन, सो वही। सो गाइस फाइनली आज वो डे है जिस दिन मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ, और आज है 25 मई और अभी हम लोग जा रहे एयरपोर्ट, मैं अंकल और कैब ड्राइवर, और मस्त अभी तो धूप हो रहा है बढ़िया। अब चलो देखते हैं एयरपोर्ट पे क्या क्या होता है, लेट्स सी। और यहाँ पे हमें दिखा इंडिया गेट, वो हमारा प्लान था रात में जाने को इंडिया गेट, बट मेरा ट्रेन ही बहुत लेट हुआ तो हम लोग नहीं जा पाए। वैसे मैं थक भी गया था तो मन नहीं किया जाने का, थोड़ा सा दिखा। बस पहुंचने वाले हम लोग एयरपोर्ट, टर्मिनल 3 का बोर्ड तो दिख गया, और रोड तो काफ़ी सही था भाई, इधर का काफ़ी सही था रोड। और ये हम लोग आ गए टनल में, इसके बाद बर्फ दिखेगा। जो भी बढ़िया सा टनल था ये, मज़ा आ गया। और ये पूरा का पूरा पार्किंग है, 3-4 फ्लोर का, बढ़िया सा। सो गाइज मैं तो पहुंच गया दिल्ली एयरपोर्ट और इधर मेरा लगेज है, मेरे अंकल आके ड्रॉप करने वो जा चुके हैं। अब मैं जाता हूँ अंदर जाके फिर इमिग्रेशन का प्रोसेस और बाकी सब भी होता है जो वो करके फिर मैं बात करता हूँ। यहाँ बहुत सारा गेट है बट मैंने गेट नंबर 3 से अपना एंट्री लिया था और सही से हो गया था। सो गाइज मेरा बैग तो चेक हो गया, अभी जा रहा हूँ इसको चेकिन में देने, वहाँ से फिर मेरे बैग से इस पाला छूट जाएगा एंड दिल्ली एयरपोर्ट पर इंटर कर गया। पीछे हाथी मेरा साथी है, चलो। सो गाइस मैं तो आ गया पहले कि काउंटर खुलेगा 9 बजे और मैं आ गया 8:30 बजे, तो 8:15 हो रहा है अभी। कुछ बोला वेट करो 9 बजे आने, तो बस बैठा हुआ हूँ और क्या मजा आगे देख रहा हूँ। और ये है साइड इफ़ेक्ट पहले आने का, मुझे काफ़ी देर रुकना पड़ेगा, मैं बोर हो गया था बैठे बैठे। और अगर आप विस्तारा से जा रहे हो
फ्रैंकफर्ट, तो काउंटर नंबर ए और बी पे जाना, जो कि यहाँ पे है काउंटर नंबर ए और बी, और यहीं पे आपका बैग्स ले लेते वो और आपको बोर्डिंग पास दे देते हैं। इधर है सारे डोमेस्टिक डिपार्चर और सामने में है इंटरनेशनल डिपार्चर। जब आपको आपका बोर्डिंग पास मिल जाए, ये बोर्डिंग पास मिल जाएगा आपको विस्तारा की तरफ से, एंड फिर यहाँ पे आके यहीं से एंट्री करना है आपको, और उसके बाद फिर होगा इमिग्रेशन। ये रहा इमिग्रेशन का लाइन, काफ़ी टाइम लग गया मेरे को। फिर इमिग्रेशन के बाद सिक्योरिटी चेक में भी लाइन था, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक करा के फिर मैं आ गया अंदर, जो कि है यहाँ पे दिल्ली ड्यूटी फ्री। सो गाइस फाइनली डन, इमिग्रेशन डन, सिक्योरिटी चेक डन, एंड अभी आओ दिल्ली ड्यूटी फ्री, देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या है, और अभी जाऊँगा लाउंज एक्सेस में क्योंकि मेरे पास कार्ड है, तो मेरे को खाने फ्री हैं, एंड मेरे को नेकरेस्ट चाहिए था बाय 2-4 मॉक कसम 3060 रुपये, 5,000 के छोड़ दो भाई, मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को बाहर मिल रहा था 300 में और मैं लास्ट टाइम भूल गया दारू। मस्त सारे बॉटल्स रखे हैं, अभी देखता हूँ कुछ मिलता है तो देखा जाएगा। भाई ये देखो परफ्यूम, एंड ट्राई करो इसका छोटा सा, हेलो हेलो कैसा है करण, अच्छा हूँ भाई, कहाँ जा रहा, फ्रैंकफर्ट जा रहा हूँ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू भाई। सो गाइज ये है दिल्ली ड्यूटी फ्री अंदर से, काफ़ी सुंदर है यार, लेकिन लिटरली काफ़ी महंगा भी है, और एकदम बढ़िया से ऑर्गेनाइज है हर कुछ, बढ़िया एकदम मस्त सा, और इधर रखा हुआ है भगवान जी का मूर्ति, जो कि है 6,000 का, 5,000 का, आई एम बी लाइक वाह शाबाश, इतने पैसे नहीं है हमारे पास अभी। अभी मैं जाऊंगा लाउंज एक्सेस में कुछ खाऊंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा भूख लग गया, थोड़ा थोड़ा हाँ, क्योंकि मैं खा के आया था अंकल आंटी के घर से, और अभी देख रहा हूँ दिल्ली ड्यूटी फ्री कैसा है, क्या क्या है भाई, यहाँ पे 2x, 4x, 5x, 20x दाम ज़्यादा है, 6,000 का इतना छोटा भगवान की मूर्ति, कोई सेंस है इस बात का बताओ, और 3,000 का नेकरेस्ट, पैसे वाले लोगों के लिए जगह भाई, चॉकलेट्स ये भी हो गया 5,000 का। और हो सके तो मैं लाउंज एक्सेस का पूरा एक प्रॉपर वीडियो ही बना दूं, इसमें ना रखूं, अभी देखता हूं क्या सीन है क्या नहीं, अभी आपको दिखाता हूं यहां से स्लाइड्स दिखाता हूं। विस्तारा की फ्लाइट नहीं दिख रही है भाई। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूं लाउंज में, और मुझे दिल्ली एयरपोर्ट का ये सबसे ख़राब लगता है कि आप काफ़ी चलना पड़ता है, सब कुछ काफ़ी दूर दूर है, और काफ़ी सुंदर तो है बट दूर दूर है, और यहाँ पे idly.com है, एंड अगर आपके पास भी कार्ड है और अगर आपको लाउंज यूज़ करना है तो आपको ऊपर आना पड़ेगा, एंड अभी इधर सारे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर फूड कोर्ट है, और ये रहा मेरा लाउंज इनकाम लाउंज, और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ था, और ये ऊपर में, तो अगर किसी को भी आना हो तो आ जाना, और मुझे यहाँ 2 घंटे के लिए इंटरव्यू मिली थी क्योंकि मेरा फ्लाइट था 1.5 घंटे में। सो चलो चलते अंदर। सो गाइस ये कार्ड से मेरे को मिल गया 2 घंटे का लाउंज एक्सेस, क्योंकि मेरा फ्लाइट ज़्यादा देर का नहीं है, अभी टाइम हो रहा है 10:40, 11:15 में मेरा बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा,
और मुझे 2 रुपये में मिल गया अनलिमिटेड खाना पीना जो भी कर सकते हैं। और अभी जा रहा हूँ मैं, देखता हूँ क्या क्या है खाने को ले जाता हूँ, उसके बाद फिर अच्छे बात करता हूँ। ये है लाउंज, भीड़ तो है काफ़ी। सो यहाँ नीचे रखे हुए थे सारे प्लेट्स जो कि काफ़ी गरम गरम थे, पता नहीं क्यों प्लेट गरम थे। और अभी सुबह का टाइम था इसलिए ब्रेकफास्ट में था इडली सांभर पराठा सब्जी ऑमलेट ब्रेड एंड फ्रूट्स। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ तो लिया नहीं, मैंने वीगट से कॉम्बिनेशन लिया, मैंने 2 इडली चटनी पराठा सब्जी और 1 ब्राउनी लिया। चलो खाते अब इसको। सो चलो यहाँ से टेस्टिंग चालू होता है खाने का और मैं बन चुका हूँ वो शो आता था ना टेस्ट करने वाला, और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि वो साउंड बहुत आ रहा था। और इडली तो अच्छा था, मतलब अच्छा था, घर जैसा तो नहीं बट बढ़िया था, खाने लायक था, ऐसा कुछ ख़राब नहीं था। चलो खाते जल्दी जल्दी अब। ही मैंने खाना तो खा लिया, अब जा रहा हूँ कुछ पीता हूँ लाइक पानी और जूस, उसके बाद फिर मिलते हैं। सो गाइस 11:20 हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ गेट के पास, बस निकलूँगा यहाँ से। 11:50 में बोर्डिंग का टाइम दिया हुआ है, तो बस हो गया खाना पीना। वैसे मैं खा के आया था, मेरे को ज़्यादा भूख लगा नहीं था, थोड़ा थोड़ा भूख लग रहा था तो मैंने खा लिया बैकअप के लिए। और बस देखो अब, अरे यार मैं से गलती हो गया, मेरा हुडी और जो जैकेट है वो सारे लगेज बैग में, और अभी वहाँ टेम्परेचर है 7 डिग्री। देखो शायद दिन में बढ़ जाए बट ओहो। चलो मैं गेट के पास जाता हूँ, गेट पे जाने के बाद फिर देखता हूँ बात करता हूँ। और ये था मेरा एयरपोर्ट लुक, नॉर्मल सा शर्ट कार्गो और शूज। हाँ तो गाइस मैं ब्रेकफास्ट करके जूस पी के पानी पी के 3 बॉटल एक बॉटल ले भी आया, और अब जा रहा हूँ गेट के पास क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट होने में 10 मिनट बाकी है, तो जाता हूँ गेट के पास और मैं फ्रेश भी हो गया, ऑल गुड टू गो। अगर फ्लाइट में पॉटी आ जाता तो रिस्क नहीं लेना बिल्कुल। तो प्ले ग्राउंड है बच्चों का, और भाई खाना अच्छा था। मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करके आया था और मेरे को ज़्यादा भूख लगा नहीं था, और जैसे मैंने बोला मैंने थोड़ा सा खा लिया कि रिस्क नहीं लेना, भूख थोड़ा थोड़ा लग रहा था। अब जाता हूँ देखता हूँ, थोड़ा देर वेट करूँगा उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर फ्लाइट में बैठ जाऊँगा, उसके बाद फिर बाय बाय इंडिया, हेलो डॉयचलैंड। चलो मिलते हैं। सो अभी जा रहा हूँ गेट के पास, बस बच्चे हैं 10 मिनट, जल्दी जल्दी जाता हूँ बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है। और अभी ये दूर है भाई, और मेरे को एक बार रीचेक करना पड़ेगा, मेरे को कन्फ्यूजन आ रहा है कि मेरे को 15 है कि 19 है, तो मैं एक बार रीचेक करके और फिर मिलता हूँ। चलो ये बैग भारी है, वैसे पता है ये वाला बैग चेक नहीं होता कितना वेट है, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा लाना हो तो ला नहीं सकते, अगर हम जाते हैं तो बस आर्ट एंड क्राफ्ट वाली। गेट्स की तरफ तो आ गया है, अभी चलते हैं देखते हैं। वो रहा 19। सो गाइस अब वी आर गोइंग इनसाइड द प्लेन एंड चलो चलते हैं फ्लाइट के अंदर बैठते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओके डन, सब कुछ हो गया, फाइनल लिविंग इंडिया, खुश भी हूँ और थोड़ा सा ठीक है, कभी ना कभी तो जाना ही था। चलो सो गाइज लेट्स एंटर इन द फ्लाइट, और मैं पहले आ गया था, मतलब हम मेरे आगे थे 2 लोग, और ये एक भैया थे जो अभी दिखेंगे आपको बच्चे के साथ, हाँ यही, इन्होंने बोला कि आप व्लॉगिंग करते हो क्या, मैंने बोला हाँ, तो बोला इन्होंने कि आप लोगों की वजह से बहुत हेल्प होता है, तो मैंने बोला थैंक यू, अच्छा लगता है। सब लोग बैठ रहे हैं, मैं पहले आ गया क्योंकि मैं वहाँ पे था पहले से,
मतलब मैं आ गया था टाइम से, तो मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ। मैंने विंडो सीट यहाँ से मस्त मस्त नज़ारे रिकॉर्ड करना। फाइनली भाई, फाइनली इतने टाइम बाद, इतना मेहनत इतने टाइम बाद फाइनली बैठ गया। प्राउड ऑफ मी, थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, उन सबको जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा एंड उन सबको भी जिन्होंने नहीं करा, लाइक थैंक्स टू। Here's my screen. ये चल रहा है, हाँ चल रहा है। यहाँ पर पहले से एक चादर रखा हुआ था, एक पानी का बॉटल रखा हुआ था। देखते हैं इसमें क्या क्या है। मूवीज़ में तो ये सब है, दसवीं जुग जुग जियो ये तो देखा हुआ, ब्लेंडेड, तूफान। टीवी शो में है आश्रम, साग टैंक इंडिया, ये सब नहीं देखना। और बस इतना ही है क्या लग तो रहा। म्यूजिक म्यूजिक हैज़ द म्यूजिक गेम्स। सो गाइस, सबसे पीछे सीट लेने का प्रॉफिट, दो सीटें एक ये एक ये। मेरे का सीट खाली है तो मैं अपना पैर ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ बहुत लंबा, 6 फीट का हूँ, तो मेरे को बहुत दिक्कत होने वाला था। और इधर एक एयर इंडिया का प्लेन आ चुका है और इधर एक सामान, बस गुड टू गो। शी इज कीपिंग ईयरफोन्स टू ऑल द पैसेंजर्स। गॉट ईयरफोन्स फ्रॉम विस्तारा विद कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम विस्तारा, फ्लाई द न्यू फीलिंग। चलो अब ये देखते हुए जाएंगे हम लोग हैरी पॉटर। विस्तारा और सिंगापुर एयरलाइंस क्रिस्टलाइन मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम फ्रैंकफर्ट जाएंगे, हमारा फ्रैंकफर्ट तक का उड़ान समय 8:10 रहेगा। इस विमान के मुख्य विमानी कप्तान संतोष जोर, सह कप्तान गुरजीत त्रिपाठी हूँ, मैं रश्मि सुरान की फ्लाइट मैनेजर हूँ, और मेरे साथ कैबिन में आज दिव्या, विलिका, अनिरुद्ध, दीक्षा, निमसैंग, पूजा, अनिशा और माबेनी आपकी सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखेंगे। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमारे कैबिन क्रू से संपर्क करें। Now is expected to be 8:10. Do let us know if there's anything we can do to make your flight more comfortable. And please note that government regulations require two instructions to be followed at all times. We wish you a pleasant flight. Thank you. Evacuations light उपलब्ध है, जो नाव की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती है। आपातकालीन लैंडिंग पर या ब्रेस ब्रेस निर्देश सुनने पर गाइज फाइनली आसमान की ऊंचाइयों में। सो गाइज मैं वॉशरूम में तो आ गया, लेकिन बहुत छोटा सा वॉशरूम होता है यार, सुंदर से साफ सुथरा। देखो बस इतना ही है, स्पेस ही इतना है, स्पेस ही इतना है। देखा जाए फिर से मस्त हुए पुष्कर। सो गाइस फर्स्ट मेन फ्लोर विस्तारा, देखते क्या है। बन है और इसमें छोले हैं, इसमें केक है, इसमें पता नहीं कौन सा पानी है, बटर और घी गिर गया, सॉरी। चलो देखते हैं। मेरी मील में है चावल, चिकन और राजमा। आफ्टर लंच उन्होंने ऑफ़र करा ड्रिंक्स, जिसको अगर ये ड्रिंक्स पीने वो पी सकते, नहीं तो
हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स थे, तो मैं फिर ऑरेंज जूस लेके फिर ये सुंदर सुंदर नज़ारे इन्जॉय करते हुए जा रहा हूँ। और ये अभी हम लोग हैं कराची से थोड़ा दूर गुजदर के पास। यप, और ये वाली जगह देख के प्रॉपर फील आ रही थी, वो आतंकवादियों वाला देश होता है ना, एग्जैक्टली वही वाली ही। एंड फिर उसके बाद हमें मिल गया चाय, और ये चाय गर्म पानी ऐसा मतलब चाय डाल के है, उसमें मैंने डाला दूध और फिर चीनी मैंने पहले ही डाल दिया था, वो देते हैं पैकेट में चीनी और ये दूध का पाउडर। उसके बाद इसको मिक्स करके मस्त चाय बन जाता है, थोड़ा पानी पानी लग रहा था बट चलो अच्छा यार, इतनी ऊपर ये भी नसीब हो रहा है, काफ़ी है। उसके बाद उन्होंने करा दिया अंधेरा, उन्होंने बोला कि विंडोज़ को बंद कर दो क्योंकि बाकी सबको भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। एंड फिर मैंने बाद में ऑन भी नहीं करा विंडो क्योंकि सच में बाकी सब सो रहे थे, मेरे बगल में एक अंकल आंटी थे वो लोग सो रहे थे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाते फालतू का, और फ्लाइट लंबी थी तो सब लोग ही सो रहे थे मेरे को छोड़ के। मैं ये सुंदर सुंदर बादल देखते जा रहा था, काफ़ी सुंदर लगता है यार बादल देखने में, मेरे को बहुत मज़ा आता है। और मैं लिटरली 9 घंटे सोया ही नहीं, मैं सोच के आता कि फ़्लाइट में सो जाऊंगा बट ये नज़ारे यार सोने ही नहीं दे रहे थे। मैं जब भी सोच रहा था कि सो जाऊं तो मैं एक बार बाहर देखता था और मुझे ये दिखता था और मैं नहीं सोता था। काफ़ी सुंदर लगता है यार मेरे को, ये बहुत सुंदर लगता है। क्या हाल है स्वयं भाई, देखो तुम्हारे पास से जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी तुम भी आ जाओ जर्मनी। स्वयं मेरा दोस्त है और वो एथेंस में रहता है, अगर किसने मेरा कोलकाता वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें वो था वीडियो कॉल पे, मुंबई वाला दोस्त, और वहाँ सामने एक फ़्लाइट जा रहा था तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ बट हुआ नहीं। और अब फ्लाइट के अंदर मस्त लाइटिंग हो गई है रेनबो कलर की, बहुत सुंदर लग रहा था, और ठंड भी काफ़ी हो गई थी तो चादर मिलती है तो मैंने चादर ले लिया क्योंकि सच में ठंड काफ़ी लग रही थी। और मैं सोच रहा था कि वहाँ पहुँच के मेरा क्या होगा क्योंकि मैं पहुंचूंगा शाम में और शाम में टेम्परेचर गिर जाता है, दिन में तो फिर भी चलो 19-20 डिग्री रहता है। और ये पहाड़ दिखे मस्त मस्त सुंदर सुंदर सो गाइज ये वाली जो बादल है ना ये बारिश हो रही है और नीचे बारिश हो रहा है क्योंकि मैंने पढ़ा था और मैंने देखा भी था कि ऊपर से ऐसा दिखता है, और ये भी काफ़ी सही दिख रहा था। माय सेकंड मील एंड हैज द टी, इसको बनाऊंगा अभी। और अभी है नॉनवेज, दैट्स केक और ऑरेंज जूस, दैट्स ऑल। ऐसा कुछ है रेडी है और इसमें है चिकन सब्जी। सो गाइस इस वक्त हैं हम लोग जर्मनी के ऊपर और पता नहीं कहीं तो किसी दो सिटी के ऊपर जा रहे थे, म्यूनिक आसपास था। और ये देखो क्या नज़ारे भाई ऊपर से, यूरोप तो भाई लिटरली बहुत बहुत सुंदर है, बस दिख रहा है। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट तो पीछे था बट ये घूम के जा रहा था, थोड़ा दूर से घूम के जा रहा था, पता नहीं कुछ होगा इनका एयर ट्रैफिक होता है। और काफ़ी सुंदर लग रहा था यार, और जब भी फ्लाइट टर्न हो रहा था ना इतना सुंदर लग रहा था, लग रहा था ऐसा 360 व्यू देख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा था। जाते बाहर
बात करते हैं। The temperature outside is 20 degrees Celsius and the local time is 5:45 PM. You may now use your mobile phones. We request you to please remain seated until the seatbelt sign has been switched off. Do take care when opening the overhead bins as items may have shifted during the flight. So guys, done with immigration. और लड़के के चेहरे पर खुशी देखो, मुझे लगा था कुछ तो यहाँ पूछेंगे क्योंकि मेरे बगल वाले से काफ़ी सवाल पूछ रहे थे, उस पर गुस्सा भी हो गया था। और अभी जाते हैं, बैग्स उठाते हैं और उसके बाद रौनक आ रहा है मेरे को रिसीव करने, थोड़ी देर में पहुँचेगा वो और देन ऑफिशियली इन जर्मनी। दैट फीलिंग यार, बहुत खुशी हो रहा है। स्ट्रगल सो मैं तीनों बैग मिल गया और बस वेलकम टू जर्मनी। सो गाइज रौनक आ गया मेरे को लेने, काफ़ी देर के बाद आया। हेलो ब्रो, जय श्री राम। जय श्री राम। और सब बढ़िया? सब बढ़िया भाई, तुम बताओ। बहुत जल्दी आ गया, थोड़ा लेट थे यार, क्या चल So guys, going to eat something, huh? Normal. क्या बोलते हैं, 5 euro 99 cent का होता ना, दो बर्गर, एक फ्रेंच फ्राई मतलब पूरा, और कोक मिलेगा। अभी एक मील में हो जाएगा हम दोनों का। कैश लेगी? चेंज करेगी 100 euro का। जा। सो गाइज, हमने ले लिया एक बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और नगेट्स। वेज है नॉन वेज? वेज है भाई। हाँ तो वेजिटेरियन है ना भाई? वो चिकन और चीज़ पूछी, मेरे मुंह से चिकन निकल रहा था, गलत चीज़ बोल दिया पट से। अब चीज़ ही खाते तो चिकन खाना था ना? नहीं बे। अरे अरे सही बनो बे। सही क्या बनो, सही क्या बनो, मेरा फ्लाइट में भी दोनों मिल चिकन था। कुछ साले खाता नहीं है क्या? ना भाई। कैसा लगता है भाई? घीन भरता है। अब जब बोला खाता नहीं है तो कैसा लग, पता कैसे थे? अभी एक दिन ट्राई नहीं किया था वो रीति ऐसा। तो चलो ठीक है गाइस, खा पी के मिलते हैं, बाय। मैं अभी भी एयरपोर्ट पे हूँ क्योंकि पैडरबॉर्न के लिए बस सुबह में 4 बजे और बाहर ठंड है तो बाहर जाके कोई प्रॉफिट है नहीं और बाहर वाईफाई भी नहीं मिलेगा और मैंने सिम अभी तक लिया नहीं है। गाइस अभी रात के बज रहे 2 और हम लोग अब एयरपोर्ट से बाहर निकले क्योंकि हमारी बस सुबह 4 बजे की है और अभी जा रहे हैं टर्मिनल 1 पे। और भाई बाहर ठंड है, ठंड लग रही है भाई, इसको ठंड नहीं लग रहा, आदत हो गया इसको तो, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रहा है भाई। टेम्परेचर देखो कितना डिग्री है, 10 डिग्री है भाई, सीधा 40 से 10 में। Wir bringen Sie nun zum Busparkplatz P36, Umstieg zu den Fernbussen, sowie zu Terminal 1. फिर हमने टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 के लिए बस लिया जो कि टोटली फ्री था। एंड एयरपोर्ट के बाहर आते ये नज़ारे, पीले पीले लाइट्स, वाह 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 वाह, अच्छा लगता है। और फिर टर्मिनल 1 पहुंचते ये मर्सिडीज बेंज एज अ टैक्सी, वाह ही ही। सो गाइस, बाहनहोफ मींस ट्रेन स्टेशन और अभी जा रहे नीचे, नीचे जाके मिलते हैं आपसे। And here are timetable of all the trains, and there is the entry of station. और हमें बैग ऐसे लेके जाना पड़ रहा था और भाई साहब यहाँ पे हमारे बैग्स इतने बार गिरे, मतलब 2-3 बार आना जाना पड़ा और सारे लोग देख रहे थे क्योंकि बहुत आवाज़ कर रहा था। भाई साहब क्या स्टेशन है,
सो बड़े मुश्किलों के बाद हम लोग आ चुके हैं ट्रेन में, एक ट्रेन छूटने के बाद और तीन ट्रेन तीन बार और स्टेशन चेंज करते हुए अप एंड डाउन बाइक करते करते एकदम भाई पहले उस स्टेशन पे गए, फिर स्टेशन पे आए, फिर बीच में गए, फिर उधर जा रहे थे तब तक पता चला कि ट्रेन इधर आ रहा है भाई, स्टेशन चेंज हो गया, स्टेशन चेंज हो गया। तो गाइस फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, अब बस बस का वेट है, वही देख रहे कि अभी बस कहाँ पे, एक बस वहाँ पे रुकी है, रौनक को डाउट है कि वही बस है, वो अभी गया है वहीं पे पता करने, बहुत कंफ्यूजन है भाई, बहुत कंफ्यूजन है, और आई थिंक वही बस है, बस देखने दे। गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं आ गया बाहर, फाइनली चलो मनी। सो गाइस अभी हम लोग खेल रहे थे क्रिकेट अगर और मैंने 2 विकेट लिए और कितने रन बनाए भाई, 4 रन, 2 रन आउट दिए बीच के नीचे। सो हम लोग क्रिकेट खेल के अब अपने अपने घर जा रहे हैं और ये जितने भी बिल्डिंग्स है ये स्टूडेंट एंड वर्क है, एक तरह से यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट डॉर्म बोल सकते हैं इसको। सो गाइस गेम तो ख़त्म हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं घर, बड़ी ठंड लग रही है भाई और ये तो रहा रोड, बाकी सब लोग चले गए क्या उधर है पैडरबर्ग यूनिवर्सिटी, बस यही वाला है। सो गाइस अभी बस के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग, 4 मिनट में बस है, बस मैं रौनक और परीक्षा भाई, बस आ गई भाई, बस आ गई, चलो। तो गाइस ये गई बस, ये सेक्सी सेक्सी कार्स, सिग्नल कॉम्ट इसको दबाने से वहाँ पे ग्रीन लाइट हो जाएगा फिर हम लोग जाएंगे, फिर इंडिया में तो भाई खुद फन के भाग जाओ गाड़ी नहीं। चलो चलो देखो वहाँ पे ग्रीन लाइट हुआ तो हम लोग जाएंगे। सो गाइस आते आते तो हम लोग खेल लिए क्रिकेट और कितना टीम कितना बार हारे भाई हम लोग बताना है ज़रा इज्जत से, हम तो जीत गए ना, कितने बार, 6 बार, सारा झूठा, 6 मैच हुआ था जिसमें से 5 हार गया, अकेले थोड़ी है था भाई, टीम भी थी। हाँ ठीक है भाई, मैंने तो लास्ट में खेला ही नहीं। तो मस्त गाड़ियाँ भाई, क्या गाड़ियाँ, उतरते उतरते लैम्बोर्गिनी उरुस और एयरपोर्ट से बाहर आते मर्सिडीज बेंज एज अ टैक्सी। और बस आज का बस इतना ही था, होप करता आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अगर जर्मनी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को पूछ लेना, मैं अपना और रौनक का इंस्टा दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम दोनों से किसी को भी मैसेज कर सकते हो। और बस हमारा घर आने वाला है तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। सो गाइस अभी हो रहे हैं 10:07 और अब जाके सन गया नीचे और सनसेट हुआ है। हाँ और अब अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे, अभी भी प्रॉपर हुआ नहीं, अभी भी दिख रहा है, अबे रात ऐसे ही दिखता है पूरा, रात की पूरा अंधेरा हो जाता है, नहीं कभी कभी भाई लाइट ही रहते हैं 1-2 बजे तक, तो अच्छा थोड़ा पहले ही हो गया, अभी प्रॉपर समर स्टार्ट नहीं हुआ है ना,
भाई यार मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ठंडा लग रहा है। चलो